Hey guys, this is me, Robbie here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी जल्दी से आजू राबी गैंग को ज्वाइन करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अगर आप लोग हमारे व्लॉगिंग चैनल के बारे में अभी तक नहीं जानते तो हमारा व्लॉगिंग चैनल है, नीचे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल. तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. टाइटल आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, वो है नवी मुंबई, द लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी इन द वर्ल्ड. तो देखते हैं ऐसा क्या है, प्लान्ड सिटी है ये, हमें नहीं आइडिया है, लेकिन लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हुए थे कि आप इस पे करें, तो हम ये लेके आए हैं वीडियो. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में. आज हम बात करेंगे नवी मुंबई की. भारत के पूर्वी तट पर बसा महाराष्ट्र का एक प्लांट सिटी. ये सिटी मुंबई से अलग नहीं है और कोंकण डिवीजन के अंदर आता है. नवी मुंबई को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ नवी मुंबई और साउथ नवी मुंबई. ये शहर समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर 108 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. भारत की आजादी के 15 साल बाद ही मुंबई की जनसंख्या में 29 लाख की बढ़ोतरी देखी गई. मुंबई एक तटीय शहर है जिसके पास आज भी लिमिटेड जमीन मौजूद है. ये शहर अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ती जनसंख्या को संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह से इसके पास ही नवी मुंबई नाम से काउंटर मैग्नेट सिटी बनाया गया. आज ये सुनियोजित शहर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर और एंटरटेनमेंट के ऑप्शन से भरा हुआ है. इसके अलावा इस शहर को प्रकृति के करीब रखने के लिए इसमें ढेर सारे पार्क, तालाब, झील और फॉरेस्ट एरिया भी छोड़े गए हैं. नवी मुंबई रहने के लिहाज से काफी सुंदर और नेचर फ्रेंडली रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर वाला शहर है. नवी मुंबई में MH 43 और 46 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी. ये दोनों व्हीकल रजिस्ट्रेशन थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट RTO में रजिस्टर किए जाते हैं. नवी मुंबई में वैसे तो दुनिया भर और देश के अलग अलग कोनों से आए लोग रहते हैं, फिर भी मराठी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है. 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ करीब 11,20,000 लोग खुशी खुशी रहते हैं, जिनमें 6,10,000 पुरुष और 5,10,000 महिलाएं रहती हैं. नवी मुंबई काफी डेवलप्ड एरिया है जहाँ 89.62% लोग पढ़े लिखे हैं. यहाँ पर 1,000 पुरुषों पर 837 महिलाएं पाई जाती हैं. मुंबई में मनोरंजन के ढेर सारे साधन मौजूद हैं, उनमें से कुछ जगहों के बारे में हम आगे अपनी वीडियो में बता रहे हैं. पहले नंबर पर आता है पांडवकाड़ा वाटरफॉल. पांडवकाड़ा वाटरफॉल खारगर के पास मौजूद एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है जो लगभग 107 मीटर ऊंचा है. यहाँ भारी मात्रा में पानी को देख सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर पांडवों ने स्नान किया था, जिसके कारण इस जगह का नाम पांडवकाड़ा वाटरफॉल पड़ा. अपने इस इतिहास के कारण ये वाटरफॉल ट्रैकर्स और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करता है. अगला है करनाला बर्ड सेंचुरी. करनाला पक्षी अभयारण्य मुंबई पुणे राजमार्ग पर मौजूद है और 500 वर्ग किलोमीटर तक हरी भरी भूमि पर फैला हुआ है. सुखद जलवायु के कारण प्रवासी पक्षियों के लिए ठहरने वाली जगह है और 150 से अधिक प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर भी है. इस सेंचुरी में करनाला किला भी मौजूद है जो लोगों के बीच एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है. अगला है रॉक गार्डन. रॉक गार्डन नवी मुंबई में मनोरंजन के लिए बनाया गया है. टॉय ट्रेन इस गार्डन का प्रमुख आकर्षण है जो बच्चों को बेहद पसंद आता है, क्योंकि यहाँ दो पार्क हैं. पहले पार्क में आपको कई मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी और दूसरा पार्क फूलों से घिरा हुआ है. अगला है वंडर पार्क इन मुंबई. मुंबई में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा मनोरंजन पार्कों में से एक वंडर पार्क है. आप यहाँ 7 अजूबों के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, साथ ही यहाँ बच्चों के लिए काफी कुछ मौजूद है. अगला है एलिफेंटा केव्स. एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है. यहाँ भगवान नटराज, योगेश्वर और सदाशिव के हिंदू देवी देवताओं की समर्पित मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान सदाशिव सबसे प्रसिद्ध है. आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए. अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लोर YRS को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं. थैंक्स फॉर. ये है नवी मुंबई और एक मैं समझा था शायद ये मुंबई का एक मुंबई ही है, बट अब पता चला कि दैट इट इज नॉट मुंबई. ये कोई ज्यादा सिटी प्लान किया गया था. मुंबई के साथ थाने लगता है ना, उसको उस तरह एक नवी मुंबई के सिटी डेवलप किया गया जो वो मुंबई के अगेंस्ट बनाया गया, ताकि मुंबई में जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो वहाँ पर उस तरह की सहूलियात इतनी नहीं दी जाती. ऑब्वियसली पुराने सिटी डेवलप हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था, तो उसके लिए उसकी ये साथ उन्होंने एक सिटी बनाया
जो नवी मुंबई, और जो देखने में लगा तो वो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल करीब ही है, लेक्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर है, और पार्क्स हैं वो बड़ी अच्छी, और एक वाटरफॉल थी वो बड़ी खूबसूरत थी। तो एक बड़ी अच्छी मुझे तो वाइब आई इस शहर सिटी से, बहुत अच्छा सा। और ये प्लैंड सिटी है इसलिए उसके अंदर फैसिलिटी ज्यादा होंगी ऑब्वियसली, इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो कि मुंबई में नहीं होगा या होगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ उसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगी तभी उन्होंने उसको नाम दिया नवी मुंबई का नाम से, लोग आके एडजस्ट हो सके उन एरियाज में, वहाँ पर एडजस्ट हो सके। और ये है कि बाकी इतनी कोई खास और मजीद इन्फॉर्मेशन तो नहीं हमें पता, लेकिन अगर आप लोग में से किसी को कुछ पता है मजीद तो जरूर बताना। ये अच्छी है कि लिटरेसी रेट बहुत 89 कुछ परसेंट था कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं वहाँ के, और वहाँ पर जो क्या मेल और फीमेल की रेशियो भी तकरीबन बराबर ही थी, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। जिस तरह लाहौर एक पुराना शहर है तो आपकी सोसाइटियाँ बनती थी आगे वो एक्सपेंड करती थी, उस तरह एक्सपेंड किया गया है मुंबई को ताकि लोग वहां से वहां भी जो लोग वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे वो वहां जाके रह लें, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है हर सिटी की। सही सही है, तो ये एक थी चीज। खैर हमें ये लगा लेकिन अगर कोई हमें गलती कहती तो हमें इतना आइडिया नहीं है ना गाइस। यही थी हमारी वीडियो ऑन नवी मुंबई, आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो को, और अगर इसके अलावा कोई और भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताना, हम आप लोगों के लिए जरूर प्ले करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कर देना, मुलाकात करेंगे एक और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।